हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी उठ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। मुझे निकलना है मुंबई के लिए क्योंकि मेरी आज रात की ट्रेन है ग्वालियर के लिए, तो इसीलिए मैं मुंबई जा रही हूँ। क्योंकि मुझे सूरत से ट्रेन नहीं मिली, सारी फुल थी, फेस्टिव सीज़न है तो इस वजह से कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मुंबई से टिकट ले लिया जाए। तो बस इसीलिए मैं जा रही हूँ और जल्दी आपको मुंबई की भी सैर कराऊंगी, रास्ते में भी दिखाऊंगी पूरा क्या होता है क्या नहीं। और मेरे को थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को जुकाम हो रहा है तो मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आएगी, तो इसलिए तो चलिए जल्दी से चलते हैं। मैं ऑटो बुक करती हूँ और फिर हम निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। तो गाइस, मैं निकल आई हूँ अभी घर से और जा रही हूँ स्टेशन की तरफ। मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑटो और मुझे लग रहा है शायद मैं लेट ना हो जाऊँ, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि भैया थोड़ा स्पीड में चलाएं, तो भैया भी बहुत थोड़ा स्लो चला रहे हैं। तो ये मेरा पूरा लगेज है जो कि बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो बस अभी हम चलते हैं स्टेशन की तरफ और देखते हैं ट्रेन कितना लेट है या कितना नहीं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेन पकड़ ली है और सुबह का टाइम है तो मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ, मुझे बेटर फील होगा। एक्चुअली मुझे हेडेक भी हो रहा था, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं रास्ते से पैक करवा के लेकर आई थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं अभी सो जाती हूँ। और ये देखिए, ये मैं पहुँचने ही वाली हूँ, ऑलमोस्ट मैं पहुँचने ही वाली हूँ बोरीवली। तो एक्चुअली बोरीवली आ जाता है ना तो फिर ये लगता है कि बस आने ही वाला है क्योंकि थोड़ी देर का ही रास्ता होता है। ये देखिए, यहाँ पे भैया ब्लैंकेट वगैरह घर ही कर रहे हैं, इसका मतलब हम एंटर करने वाले हैं। तो गाइज़, मैं स्टेशन से घर तक का वीडियो नहीं बना पाई, मेरी फ्रेंड का घर है ये। तो यहाँ पर ये देखिए, हम शाम की तैयारी हो रही है, यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं हम लोग, सब्ज़ी अभी हम बाद में बनाएंगे, अभी सिर्फ पूड़ियाँ बन रही हैं। और ये देखिए गाइज़, ये इनके फ्लैट के बाहर का व्यू है पूरा, ये आप देख सकते हैं, इन लोगों ने कपड़ा भी ऐसी जगह टांग के रखा है। तो ये पूरी इनका व्यू है और ये देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और ये जो सामने की बिल्डिंग है ना, इसमें मुझे बताया है इन लोगों ने कि यहाँ पर ना युवराज सिंह रहता है, मतलब इसमें युवराज सिंह भी रहता है और इसमें विराट कोहली का भी फ्लैट है। और यहीं पर ही आसपास में कोई एक और बिल्डिंग है जिसमें दीपिका पादुकोण भी रहती हैं, तो वो बिल्डिंग यहाँ से दिखती नहीं है लेकिन है, मतलब गली के बाहर ही वो बिल्डिंग। तो मुझे देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सामने ना समुद्र है और यहाँ से आप देख सकते हो बांद्रा सीलिंग भी दिख रहा है जो हमें काफ़ी मूवीज़ में देखने को मिला है। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके घूम के आऊँ मुंबई, बट टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और मतलब बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी तो इसीलिए मैं कहीं भी नहीं गई और बस काम में लगी थी। तो बस अभी चलते हैं हम, अपना खाने पीने की तैयारी करते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट से कुछ सामान लेना था तो हम यहाँ पर आ गए हैं चटपटे चीज़ें लेने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें दिख जाती हैं ना तो इतना मन करता है, बच्चों वाला मन हो जाता है कि अरे ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना। तो हमने यहाँ से कुछ चिक्की ली थी एंड बटर चिक्की थी और आम पापड़ लिया था और एक बिस्किट का पैकेट और मतलब कुछ चिप्स वगैरह, ये सब चीज़ें मंचिंग वाली चीज़ें ली थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्टोर दिखाती हूँ, पूरा छोटा सा स्टोर है, यहाँ पे सब मिलता है ऑलमोस्ट। तो चलिए अभी हम निकलते हैं और ये हम वापस आ गए हैं सारा सामान लेके। तो अभी हम जा रहे हैं इनकी बिल्डिंग के ऊपर और हमें जाना है ऊपर फ्लैट पे क्योंकि टाइम हो चुका है और हमें सिर्फ खाना खा के निकलना है। तो ये गाइस देखिए, ये मेरी फ्रेंड है, ये अपना सामान पैक कर रही है, इन लोगों के पास भी काफ़ी लगेज था, मेरे अकेले अकेले का लगेज ही 3 पैक हैं तो मैं खुद समझ नहीं आ रहा था लेके कैसे जाऊँगी। तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ट्रेन हमारी करेक्ट 11:30 पे है तो हम लोग बिल्कुल लेट नहीं हो सकते हैं। और 11:30 पे CST हमें जाना है तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि CST का स्टेशन देख के ना मुझे बहुत सारी मूवीज़ याद आ जाती हैं। तो बस चलिए अभी हम चलते हैं, हमारी कैब भी आने वाली होगी। तो गाइस, कैब आ चुकी है, हमने बड़ी गाड़ी की है, सेडान की है, तो उसमें ही हमारा क्योंकि लगे जाएगा पूरा। तो अभी हम यहाँ से निकल दिए हैं घर से और ये भैया भी बहुत अच्छे थे, मतलब अंकल हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी ड्राइविंग की और हमें सेफली पहुँचा दिया उन्होंने और जल्दी भी टाइम से पहले पहुँचा दिया इन्होंने। तो बस अभी हम चलते हैं और रास्ता व्यू पूरा इन्जॉय करते हैं, लेट्स गो।
और यहाँ पर ना मैं पूछ रही थी इन लोगों से कि कितना टाइम लगेगा वहाँ हमको पहुँचने में, तो उसने बताया कि अभी मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। तो गाइज ये देखिए हम CST स्टेशन के पास में ही हैं, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो जिसमें ना क्या कहते हैं लाइटिंग जल रही है ब्लू कलर की ग्रीन कलर की, ये ना नगर पालिका है। तो ये देखिए अब कितना ब्यूटीफुल है, मतलब आप ऐसी बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अभी आ चुके हैं मुंबई में। तो बस अभी हम लोग पहुँच रहे हैं CST स्टेशन, तो बस अभी इंतज़ार है कि हम कब ट्रेन में बैठे, क्योंकि मुझे मतलब मुझसे वेट नहीं हो रहा है घर जाने का। तो गाइस लुक एट दिस, ये है हमारा CST स्टेशन। तो आई थिंक आप लोगों को इस CST स्टेशन को देख के कुछ तो याद आया होगा, मुझे हमेशा इस स्टेशन को देख के याद आती है रावण मूवी, जिसमें वो बहुत अच्छा सीन था। मतलब एक्चुअली रावण क्या, मतलब बहुत सारी मूवीज़ में CST स्टेशन दिखाया गया है, तो मुझे तो काफ़ी इसको देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है माय गॉड। और लिटरली मेरे मुंह से ना वहाँ पर निकला भी था वाओ, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना ये जगह। मतलब मुंबई में ना लाइटिंग ना मतलब बहुत है, मतलब ना हर जगह ना हमेशा ना मतलब ऐसा लगता है कि ना अभी यहाँ पे सुबह ही है, मतलब पूरा ऐसा चमकता रहता है। मैं क्या बोलूँ एक्चुअली, मतलब पूरा मतलब काफ़ी लाइटिंग होती है, आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बस अभी हम लोग ये एक्चुअली हमको यहाँ से हम लास्ट पीछे वाले दरवाजे से जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 14 है, तो अभी हमें वहाँ पहुँचना है। तो अभी ये भैया ने हमको बोला, ड्राइवर भैया ने, कि हम आपको पीछे से लेके जाएंगे, तो वहाँ से आपको चलना नहीं पड़ेगा और ना ही सीढ़ी वीढ़ी लेनी पड़ेगी, आप सीधा पहुँच जाओगे। तो गाइज़ ये देखिए हम लोग स्टेशन पर आ गए, हमारी ट्रेन 20 मिनट्स लेट थी, तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और ये ट्रेन आ चुकी है हमारी। ये देखिए कैसे भरे पड़े हैं लोग इसमें। तो बस अभी ट्रेन पूरी खाली है, इस ट्रेन में कोई भी नहीं है, तो बस अभी इसका रुकने का वेट करते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये देख, तो बस अब हम यहाँ पर है ना एक दूसरे से बोलो जुबा केसरी बोल रहे थे। तो बस अभी हम लोग ट्रेन में सोने का टाइम हो गया है, हमने यहाँ पर अपने कर्टेंस लगा लिए हैं, अपना रूम बना लिया है। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे का वीडियो आपको कल सुबह दिखाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।